हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए आज का वीडियो हमारा CISF हेड कांस्टेबल के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी कमेंट बॉक्स में भी और कम्युनिटी में भी कि सर CISF के लिए कुछ वीडियोस अवेलेबल करवाएं, इसके जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसके आपको पता है फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए इससे पहले आपको बता दूं CISF हेड कांस्टेबल के लिए 30 से 35 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इस चैनल पर, जाके उसको प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो हमारा CISF हेड कांस्टेबल के ऊपर रहेगा। ये जीके का मॉक टेस्ट है, आपको पता है 25 नंबर की यहाँ पर जीके आएगी। इसके अंदर मैंने करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चन MCQ में है, तो अपना प्रैक्टिस सेट लगा कर चलना और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि अपना स्कोर यहाँ पर कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसको हम बोलते हैं कैम्बियन उत्तक। ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1s2, 2s2 और 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये क्वेश्चन आपके अभी भी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NE और NA+। उम्मीद है आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। और देखिए आपको पता है CISF का जो लेवल है वो बिल्कुल इजी भी नहीं रहता, बिल्कुल टफ भी नहीं रहता, मॉडरेट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसके सशस्त्र विद्रोह किया। ऑप्शन आपके सामने है और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है CISF में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर फाइव काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा होगा और जो लोग अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक CHSL, CGL, उन्होंने ये क्वेश्चन का रट्टा लगा रखा होगा। तो काई कालूर खनिज तेल जो है ये कृष्णा और कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही होगा। अमरलाई जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत की जनता का। क्वेश्चन नंबर आठ राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो देखिए राज्यपाल का वेतन हो गया है और भत्ते की बात करें तो ये आता है हमारा राज्य की आकस्मिक निधि से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, उन सब का जो वेतन आता है वो आता है हमारा भारत की संचित निधि से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, आठ का आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की देश की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये जो बैठक हुई है ये हुई हमारी किर्गिस्तान में, बिश्केक किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 केंद्र सरकार ने हाल में किस जगह पर E-फॉरेनर ट्रिब्यूनल स्थापना को मंजूरी दी है। E-फॉरेनर ट्रिब्यूनल स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये कहाँ पर दी है, असम में दी है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा करंट अफेयर से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है, तो यह मिला है अमिताभ घोष को। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से कौन सा कारण है? तो आर्द्रता आपको पता होगा, ह्यूमिडिटी जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस क्यों करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित ना होना। अगर हमारे को पसीना आ रहा है और वायुमंडल में ऑलरेडी नमी है तो हमारा पसीना सूखता नहीं है, ठीक है, यानी कि वाष्पित नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोडियम क्लोराइड में होता है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? विद्युत संयोजक बंधन होते हैं, ओके। इसमें से करंट जो है वो आसानी से पास आउट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से हम अतिचालकता सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम ने, ठीक है। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। और एक होता है हमारा सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन को प्रचारित किसने किया था? कपिल ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी अगर चूज़ किया है तो बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से था, अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई? प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में की गई थी, दार्जिलिंग में। ऑप्शन बी अगर चूज किया है तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाहरित वनस्पति पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? और देखिए अनुच्छेद 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 19A के अंदर बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता 19A में निहित है, और ऐसे ही और भी स्वतंत्रताएं हैं। तो पूछा है ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती हैं? तो ये किसको प्राप्त है? ये केवल भारत के ही नागरिकों को प्राप्त हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत के निवासियों को नहीं, क्योंकि निवासी जो है विदेश से आकर भी भारत में रह सकते हैं। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को नहीं, क्योंकि व्यक्ति भारत में पैदा होता है बट उनको नागरिकता कहीं और की भी मिल जाती है अगर वो भारत से बाहर चले जाते हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को ही 19 अनुच्छेदों में वर्णित स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अभी हमने बात की थी, ये 19A में है, और इसमें बोलने की स्वतंत्रता होती है। तो यानी कि भाषण स्वतंत्रताएं है ये हमारी प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 21 है, सामुद्रिक सूचना साझा वर्कशॉप 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो संगठन सम्मेलन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सामुद्रिक सूचना साझा वर्कशॉप 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 22 है, 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है वीरेंद्र कुमार को। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और ये एग्ज़ाम में आने की चांस है, चाहे CISF में आए, चाहे रेलवे NTPC और ग्रुप D में आए। ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय है, सॉरी विद्युत अचुंबकीय इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अगर आपने तांबा चूज किया है तो ये हमारा विद्युत अचुंबकीय पदार्थ होता है। 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 10⁻⁻⁻ परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। और अगर नाभिक का आकार पूछ ले तो वो होता है 10⁻¹⁵ ये होता है हमारे नाभिक का आकार। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻¹⁵ तो गाइज ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जैसा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विद करंट अफेयर के साथ। आप कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, वहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।